स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गोरखपुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजेश डी मोडक ने भारत और नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र के सभी पुलिस और एसएसपी कस्टम खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ सोनौली कोतवाली परिसर में बैठक की, जिसमें उन्होंने उपस्थित थाना प्रभारियों से भारत नेपाल की पगडंडियों मार्ग और सीमा से सटे गांव की जानकारी ली। इस दौरान सोनौली कस्बे के उपस्थित व्यापारी संजीव जायसवाल से बॉर्डर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पुलिस महानिरीक्षक राजेश डी मोडक ने बताया कि यह रूटीन मीटिंग है और हमेशा होती रहती है। शासन की तरफ से कुछ निर्देश मिले थे जिसके संबंध में यह बैठक की गई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। सरहद पर नेपाल से कुछ गांव सटे हैं जहां पर आवागमन चलता रहता है। बॉर्डर पर सभी की चेकिंग नहीं हो पाती है, जिसके लिए कड़ाई से जांच के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से एसएसपी 22वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोज कुमार सिंह, 66वीं वाहिनी कमांडेंट बरजीत सिंह, एसडीएम नौतनवा प्रमोद कुमार, कस्टम अधीक्षक मेवालाल, सीओ नौतनवा अजय सिंह चौहान, सीओ फरिंदा अशोक मिश्रा, सीओ निचलौल देवेंद्र कुमार सहित कई सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। पब्लिक न्यूज के लिए सोनौली बॉर्डर से विजय चौरसिया की रिपोर्ट। ये जो मीटिंग मेरी थी, रेगुलर मीटिंग हमारी होती है बॉर्डर मीटिंग, इस महीने की मीटिंग मैंने यहाँ पे इसलिए ली कि सोनौली में एक छोटी मोटी घटना पिछले 5-6 दिनों के अंदर हुई थी, तो हमारा ये कंसर्न रहता है कि इस तरह की घटनाएं बॉर्डर्स पे ना हो और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पे बॉर्डर पे रहे। तो हमारे एसएसबी के ऑफिसर्स हैं, हमारे इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिसर है, जैसे कस्टम्स है और प्रशासन के हैं, तो इनसे एक रेगुलर मीटिंग, एक रेगुलर टच पुलिस का रहना चाहिए, इसलिए ये बॉर्डर मीटिंग आज यहाँ पर ली गई है। बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। कुछ दिशा निर्देश हमको शासन से भी मिले थे और उच्च अधिकारियों से मिले थे, वो भी सभी एसओस को और ऑफिसर्स को बताने थे, तो इसलिए ये बॉर्डर मीटिंग आज ली गई थी। आपकी बात सही है कि पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं और मैंने पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ बातें और दिशा निर्देश हमारे एसओस को, हमारे ऑफिसर्स को, सीओस को बताए हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। जो बेसिक काम जो करना है पंचायत इलेक्शन शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जो बेसिक काम अभी से करने हैं वो अगर अभी शुरू नहीं किए गए तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सभी एसओस ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने जितने वो बेसिक काम थे, जैसे कि चौकीदारों की मीटिंग, असलोह का निरीक्षण और असलोह को जमा करना, रजिस्टर नंबर 8 की चेकिंग करना, इस तरह के जो काम है वो पूरी तरह से हमारे एसओस समय समय समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। सर, नेपाल की जो खुली सीमा है उसको लेके किस तरह की बातचीत किए हैं आप चुनाव को निष्पक्ष को लेकर? देखिए, खुली सीमा तो ये पहले से ही है और हमारे जो बॉर्डर है उसमें हमारे गांव और नेपाल के कुछ गांव, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि ओटी बेटी से कनेक्टेड है और आवागमन चलता रहता है और कुछ लोगों का उसमें जो जिस पे शक होता है उन पे उनकी चेकिंग होती है, बॉर्डर पे सब भी नहीं हो पाती है। तो खुली सीमा होने के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो जो जिस तरह के निर्देश चेकिंग के से संबंधित और एसएसपी को और हमारे ऑफिसर्स को देने थे हमने दिए हैं। आगे पंचायत इलेक्शन को देखते हुए भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस और मजबूती के साथ चेकिंग करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। वो एसपी साहब को भी पता है, उसको फॉलो किया जाएगा। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।